गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज दैट इज प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15। लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्सरसाइज 15। Probability. तो जो एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी, न्यू एक्सरसाइज ही है नाइन्थ क्लास में। इवन नाइन्थ क्लास में आप स्टडी करोगे प्रोबेबिलिटी, टेंथ क्लास में भी अगेन स्टडी करना है प्रोबेबिलिटी। उसके बाद अगर आप साइंस मैथ लेते हो तो वहां पे भी, इलेवंथ में भी प्रोबेबिलिटी अपने को स्टडी करना होता है, और फिर देन ट्वेल्थ में भी। तो बेसिकली स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी को। तो व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोबेबिलिटी, व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्ड प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है उससे क्या समझते हो आप लोग? बताओ। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम डेली लाइफ एग्जांपल्स, आपने कभी न्यूज में न्यूज देखा होगा बारिश के टाइम जो मौसम, बारिश का मौसम रहता है तो उस टाइम जब आपने न्यूज वगैरह देखी होगी तो उसमें जो एंकर जो होता है वो बता रहा होता है कि भी आज बारिश होने के चांसेस हैं, इतनी संभावनाएं हैं, आज का मौसम ऐसा रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी मीन्स टू पॉसिबिलिटी और चांसेस टू हैपनिंग एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने की कितनी संभावनाएं हैं, किसी भी इवेंट के होने की कितनी संभावनाएं हैं या कितने चांसेस हैं, कोई भी इवेंट है तो उस इवेंट के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है या कितने चांसेस हैं, वो क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, वो क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, इट मे probably rainy today we are, बारिश हो सकती है, it may probably rainy today, आज बारिश हो सकती है। he will pass the examination एग्जामिनेशन पास होगा, मतलब चांसेस है। यहाँ पे कोई भी इवेंट में श्योरिटी नहीं है, किसी भी इवेंट में श्योरिटी नहीं है, ओनली क्या तो हो रही है पॉसिबिलिटीज, आज बारिश हो सकती है या वो एग्जाम में पास हो सकता है। तो यहाँ पे श्योरिटी नहीं कि इवेंट 100% होगी, 100% नहीं बता सकते इसमें कि संभावना कितनी पॉसिबिलिटी है किसी भी इवेंट के होने की, कितनी पॉसिबिलिटी है वही क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। तो जो प्रोबेबिलिटी है उसका यूज करते हैं अपने इन द मैथमेटिक्स फॉर वेदर फोरकास्टिंग, फॉर
वेदर फोरकास्टिंग, इन कॉमर्स फील्ड और इन मेडिकल साइंसेस, मेडिकल साइंस। फॉर एग्जाम्पल when tossing a coin, जब किसी कॉइन को टॉस करते हैं, भाई आपने कॉइन देखा होगा, कॉइन पे क्या हेड होता है एक साइड तो, और अनदर साइड टेल। जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो क्या करें, कॉइन को टॉस करेंगे तो टॉस करने का जो रिजल्ट जो मिलेगा, वेन टॉसिंग ए कॉइन, तो क्या रिजल्ट मिल सकता है मेरे को, या तो हेड आ सकता है या क्या सकता है, टेल आ सकता है। जब आप कॉइन को क्या करते हो, टॉस करते हो, वेन टॉसिंग ए कॉइन, हेड और टेल का मतलब या तो हेड आ सकता है इस कॉइन पे, या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, 50% चांस है भाई। आप कॉइन को टॉस करते हो तो इसका मतलब क्या होगा, इस पे हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। जब कॉइन को टॉस करेंगे तो इसमें हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, इसका मतलब हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है 50% और टेल आने की भी कितनी पॉसिबिलिटी है 50%। यस सर, है ना भी, टोटल या तो हेड आ सकता है टेल आ सकता है। जब आप किसी कॉइन को टॉस करोगे तो उसपे टू पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो उसपे हेड आए या क्या हो सकता है, टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी, 50% होगी, कितनी होगी 50%। दोनों की भी या तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी होगी 50% होगी, और टेल आने की भी कितनी होगी 50%। और एग्जांपल क्या ले सकते हैं इसमें, जैसे आप मैच वगैरह देखे होंगे, अभी आईपीएल के मैच वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें आप कभी देखते हो, जैसे मान लास्ट ओवर में कुछ रन चाहिए होते हैं भी, जैसे वन बॉल में टू रन नीड है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी टीम जीतेगी। इसमें आप बता सकते हो कि आज ये टीम जीतेगी, एक जो वन बॉल है उस पर आप क्या शो कर रहे हो, पॉसिबिलिटी शो कर रहे हो भैया, हो सकता है एक बॉल पे दो रन बन जाए या नहीं बने, दो रन बन जाए इसका मतलब कोई टीम जीतेगी, कोई ना कोई टीम जीतेगी, तो किसी भी टीम के जीतने की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो ये भी क्या होगी प्रोबेबिलिटी का चांसेस होगा। When throwing a dice, जब आप डाइस को थ्रो करते हो, लूडो खेला होगा आपने, जब लूडो खेलते हो तो डाइस को तो थ्रो करेंगे, तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर होते हैं लूडो इसमें डाइस में, 1 to 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब डाइस को तो थ्रो करेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 5 में डाइस पे क्या होता है, 1, 2, 6। तो डाइस पे क्या होता है, 1, 2, 6 नंबर मेंशन होते हैं। जब आप डाइस को थ्रो करोगे तो यहाँ पे 1, 2, 6 कोई सा भी नंबर मिल सकता है अपने को, रिजल्ट क्या मिलेगा अपने को, When throwing a dice, तो रिजल्ट 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है, एनी नंबर विल कम। ओके, यस सर, इसका मतलब ये जो नंबर मिल रहे हैं अपने को, यहां पे क्या किया, डाइस को थ्रो किया तो भाई 1 टू 6
कोई सा भी एक नंबर मिल सकता है अपने को। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को जब टॉस किया तो यहाँ पे हेड या टेल मिल सकता है, कॉइन को जब टॉस किया हेड या टेल मिल सकता है। डाइस को तो थ्रो किया तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कोई सा भी एक नंबर मिल सकता है। तो ये है क्या सर, ये क्या आउटकम्स, इनको क्या बोलते हैं आउटकम्स, आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी भी डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम्स पॉसिबल है। टोटल आउटकम्स क्या कितने मिल सकते हैं मेरे को, 6। इसका मतलब जब डाइस को थ्रो करेंगे तो उसमें नंबर 1 भी आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। When tossing two coins, तो क्या करते हैं, two coins को क्या करते हैं, toss करते हैं। When tossing two coins, coin first and coin second. When tossing two coins, जब two coins को toss करेंगे तो outcomes क्या क्या मिल सकते हैं अपने को, how many outcomes possible when tossing two coins, then how many outcomes possible, कौन कौन से outcomes मिल सकते हैं। भाई जो फर्स्ट जो कॉइन है इसमें हेड टेल होगा, इसमें हेड और टेल होगा। भाई क्या हो सकता है, जो कॉइन फर्स्ट है उसमें तो क्या सो हो, हेड सो, जो कॉइन सेकंड है उसमें भी क्या हो, हेड सो हो जाए। एक तो ये हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे क्या मिल जाए, हेड मिले, और सेकंड कॉइन पे भी क्या मिले, हेड मिले। और क्या हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पर क्या मिले, टेल मिल जाए। जब कॉइन को टॉस करना है कोई फर्स्ट कॉइन और सेकंड कॉइन, भाई दो कॉइन को क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या मिल सकता है, फर्स्ट कॉइन पे क्या मिले, टेल मिल जाए, और सेकंड कॉइन पे क्या मिले, टेल मिले। और क्या हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे क्या मिल जाए, हेड मिल जाए, और सेकंड कॉइन पे क्या मिले, टेल। और क्या हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे क्या मिले, टेल मिले, और सेकंड कॉइन पे हेड मिले। तो टोटल 4 आउटकम्स पॉसिबल है व्हेन टॉसिंग टू कॉइन, जब आप टू कॉइंस को टॉस करते हो तो आपके पास 4 आउटकम्स पॉसिबल है। दीज आर आउटकम्स, आउटकम्स और रिजल्ट। फर्स्ट कॉइन पे हेड, फर्स्ट और सेकंड कॉइन दोनों पे क्या जाए, हेड आ जाए, या दोनों पे क्या जाए, टेल आ जाए, या फर्स्ट कॉइन पे तो हेड सो हो और सेकंड पे टेल हो। और क्या हो सकता है, फर्स्ट पे टेल हो और सेकंड पे क्या हो, हेड हो। दीज आर 4 आउटकम्स। एनी प्रॉब्लम? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ट्रायल्स और सेकंड इवेंट, ट्रायल्स क्या होंगे, भी आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो तो वो तो क्या होगा, ट्रायल्स होगा। फॉर एग्जांपल टॉसिंग ए कॉइंस और थ्रोइंग ए डाइस। भी आप कॉइन को क्या कर रहे हो, टॉस कर रहे हो, तो ये तो क्या ट्रायल्स है। ऐसे डाइस को जब आप थ्रो कर रहे हो तो ये भी क्या ट्रायल्स है। और यहां से जो रिजल्ट जो मिल रहा है अपने को, हेड और टेल, हेड और टेल, आपने कॉइन को टॉस किया और आपके पास क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, और क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। या तो हेड आ सकता है या क्या सकता है, टेल आ सकता है। तो हेड का आना और टेल का आना ये क्या हो जाएगी, इवेंट। ट्रायल्स क्या होगा, आपने कॉइन को क्या क्या टॉस किया तो टॉसिंग कॉइन तो क्या ट्रायल हो जाएगा, और उसमें जो रिजल्ट जो मिल रहा है अपने को वो क्या हो जाएगी, इवेंट। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया और रिजल्ट क्या मिला, हेड, तो हेड का आना क्या हो जाएगी, इवेंट। ऐसे ही डाइस को अपने क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, डाइस को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब डाइस को थ्रो करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल सकता है अपने को, 1 2 3 4 5 और 6। वन का आना एक इवेंट हो जाएगी, या मान लो इवन नंबर का आना एक इवेंट हो जाएगी, भाई आपने डैश को थ्रो किया और उस पर क्या आ जाए, इवन नंबर आए, तो भी क्या इवेंट है।
इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। तो ट्रायल्स तो क्या होगा, जो भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हो एज ए ट्रायल, तो टॉसिंग ए कॉइन, थ्रोइंग ए डाइस, और उनपे जो रिजल्ट जो मिल रहा है वो क्या हो गया इवेंट, उनपे जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या हो जाएगा इवेंट। जैसे हेड, हेड क्या है आउटकम्स है, और हेड का जो आना है वो क्या हो जाएगी इवेंट हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, लेट लेट एम एम टोटल फेवरेबल आउटकम्स, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, टोटल फेवरेबल आउटकम्स रिलेटेड टू इवेंट एट एन, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। लेट एम इज द टोटल फेवरेबल आउटकम्स रिलेटेड टू इवेंट एंड एन इज टोटल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल्स। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम डिवाइड टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू एम बाई एन, एम तो यहां पे क्या था फेवरेबल आउटकम्स और एन टोटल आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एम बाई एन। अब जो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वन हो सकती है, और मिनिमम कितनी हो सकती है जीरो, मिनिमम क्या हो सकती है जीरो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो और लेस देन इज इक्वल टू वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो और लेस देन इज इक्वल टू वन। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी जीरो और वन के बीच लाई करेगी, जीरो भी हो सकती है और मैक्सिमम क्या हो सकती है वन हो सकती है, मिनिमम क्या हो सकती है जीरो हो सकती है, और जीरो वन के बीच में भी लाई करेगी। यानी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन से ग्रेटर हो या जीरो से क्या हो कम हो, प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की नेगेटिव नहीं होगी और ना वन से ग्रेटर होगी। जैसे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी टू नहीं हो सकती, थ्री नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी मैक्सिमम वन हो सकती है और मिनिमम क्या हो सकती है जीरो हो सकती है। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो क्या है पी ऑफ ई, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है पी ऑफ ई। अब अपने को फाइंड करना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पी ऑफ ई बार, पी ऑफ ई बार किसको डिफाइन कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग, हैपनिंग एन इवेंट ई, इवेंट ई, किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है वन हो सकती है। अगर अपने क्या करें वन में से किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं माइनस कर दें, मैक्सिमम कितनी हो सकती है वन हो सकती है, वन में से इसको माइनस कर दें उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें, तो आपके पास किसकी मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ई।
तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ई, तो किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वन माइनस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। Tossing two coins. Find the probability. Tossing two coins. Find the probability when both coins so head. We're tossing two coins, और आपको क्या find करना है कि find the probability when both coins so head, मतलब दोनों coin पे क्या so head मिले, उस event की क्या find करनी है अपने को, probability। जब हमें टू कॉइन टॉस करेंगे तो कितने आउटकम पॉसिबल है, टोटल आउटकम कितने पॉसिबल है, फोर। टोटल आउटकम्स फोर आउटकम्स होंगे टोटल। कौन कौन से होंगे भैया? फर्स्ट कॉइन पे हेड आ जाए, सेकंड कॉइन पे क्या मिले हेड, फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, या फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, या दोनों पे क्या मिले टेल मिले। अब अपने को क्या फाइंड करना है, किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बैंक बोथ कॉइन सो हेड, फिर दोनों कॉइन क्या सो करें हेड, फिर दोनों कॉइन पे सो हेड सो हो, तो उसके लिए आपके पास इवेंट क्या हो सकती है, ओनली सिंगल इवेंट है। उस इवेंट के रेस्पेक्ट में, उस इवेंट के रेस्पेक्ट में जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितना है, वन है। इस इवेंट के भी जो दोनों कॉइन क्या सो करें हेड सो करें, तो उस इवेंट के रेस्पेक्ट में जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं, सिंगल आउटकम्स है, ओनली सिंगल इवेंट हो सकती है जिसमें अपने को क्या मिले दोनों कॉइन पे हेड मिले। और टोटल आउटकम कितने हैं, फोर, मतलब फोर में से वन। इसका मतलब इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, वन बाई फोर। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन बोथ कॉइंस सो हेड कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितना है वन, और टोटल आउटकम फोर, तो वन बाई फोर। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइंस सो at least one tell। आपको उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें क्या हो कॉइन पे क्या हो एटलीस्ट वन टेल मिले, कम से कम एक टेल तो मिलना ही चाहिए। भाई आप कॉइन को टू टाइम्स टॉस कर रहे हो या टू कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो अपने को उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें अपने को क्या मिले एटलीस्ट वन टेल मिले। एटलीस्ट वन टेल के लिए फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, एटलीस्ट क्या मिले टेल मिले, तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम फाइंड करेंगे, कम से कम एक टेल मिले। इसका मतलब एक तो ये हो सकता है हेड टेल, इसमें वन टेल मिल रहा है अपने को टेल हेड, इसमें भी क्या मिल रहा है वन टेल मिल रहा है, और टेल टेल इसमें भी दोनों टेल मिल रहे हैं। उसने क्या बोला कि एटलीस्ट वन टेल, उसने क्या बोला कि एटलीस्ट वन टेल मिले, फिर दोनों भी मिल सकते हैं भाई। एटलीस्ट कि कॉइन सो एटलीस्ट वन टेल, कॉइन सो एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल तो मिलना ही चाहिए कॉइन पे, कम से कम एक टेल तो मिलना ही चाहिए कॉइन पे। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, एक तो एसटी मतलब हेड टेल वाला टेल है, और टेल टेल मतलब इस इवेंट के रेस्पेक्ट में जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे, और टोटल कितने हैं फोर। तो इस इवेंट के लिए क्या होगी प्रोबेबिलिटी, क्या हो जाएगी इसके लिए, थ्री बाई फोर। इसमें प्रॉब्लम है किसी को,
When throwing a die, find the probability, probability of an event, dice shows a number, more than 2, When throwing a dice, find the probability of an event when dice show number more than 2. जब डाइस, जब आप डाइस को थ्रो करोगे तो आपके पास जो आउटकम्स हैं वो कितने होंगे, टोटल आउटकम्स 6 होंगे, आउटकम कितने होंगे, टोटल 6 आउटकम्स होंगे। इसका मतलब 1 मिल सकता है डाइस पे, 2 मिल सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6। अब अपने को कौन सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नंबर मोर देन 2, डाइस शो नंबर मोर देन 2, भाई डाइस पे 2 से ग्रेटर नंबर आना चाहिए, डाइस पे क्या आना चाहिए, 2 से ग्रेटर नंबर। टू से ग्रेटर नंबर के लिए आपके पास डाइस पे क्या आ सकता है, 3 मिल सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। भाई आपके पास नंबर क्या आना चाहिए डाइस पे, मोर देन 2। भाई मोर देन 2 के लिए आपके पास डाइस पे 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। मतलब इस इवेंट के रेस्पेक्ट में जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने होंगे, 4 होंगे। 3 आना, 4 आ जाए, या 5 मिल जाए, 6 मिल जाए। तो यहाँ पे इस इवेंट के रेस्पेक्ट में जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं, 4 है, और टोटल आउटकम कितने हैं, 6 है। टोटल जब आप डाइस को थ्रो करोगे तो टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। बट अपने को जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड जो करनी है तो उस इवेंट के रेस्पेक्ट में कितने आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4 है। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन डाइस शो मोर देन ए नंबर, डाइस शो नंबर मोर देन टू। तो इस इवेंट के रेस्पेक्ट में जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं, 4 है। इस इवेंट के रेस्पेक्ट में जो फेवरेबल जो आउटकम्स है वो कितने हैं, 4, और टोटल आउटकम कितने हैं, 6 है। तो 4/6 कितना है, 2/3। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। Probability of event when dice shows number less than two dice so number less than 1, probability of event when dice so number less than 1। तो देखो 1 से स्मॉलेस्ट नंबर, क्या बोला इसने कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए जिसमें जो नंबर है डाइस पे वो क्या हो, 1 से लेस हो। अब 1 से लेस तो हो ही नहीं सकता, जो डाइस पे जो नंबर है वो 1-6 आ सकते हैं। इसका मतलब लेस देन 1 भी 1 से लेस नंबर तो आ ही नहीं सकता डाइस पे। इसका मतलब जो इस इवेंट के रेस्पेक्ट में जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने होंगे, 0 होंगे। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0। नंबर लेस देन 1, तो इस केस में जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने होंगे, 0 होंगे। 0 और टोटल कितने हो सकते हैं, 6। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर।
नो सर नो सर ओके वी विल डू कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू